प्रभुं दिन मध्य एक स्वतंत्र प्रसंग उपरे आम्भे मैंने आलोचना करिबा उपासना दिन गुरुत्वता जे वास्तव में उपासना दिन माने कहा को कहा जाए गिरजा दिन को उपासना दिन बोली कहा जाए शुक्रवार दिन को प्रार्थना दिन बोली कहा जाए गिरजा दिन उपासना दिन उपासना दिन बोली कहा जाए तो वास्तव में आज ख्रीष्ट समाज पाएं आपण को पाएं मो पाएं गोटे विश्वासी पाएं जड़े सेवक पाएं वास्तव में यही उपासना दिन केते परिमाण रे गुरुत्व अटे महत्वपूर्ण अटे से विषय को आम आलोचना करने निम्ते बाइबल आम्हान को कौन कहे ए उपासना दिन निम्ते आम्भे मैंने आलोचना करवा यात्रा पुस्तक तार 20 पर्व तार 8 रु 11 पद पर्यंत यात्रा पुस्तक 20 पर्व 8 रु 11 पद समस्त निम्ते मु पाठ करी जदि आपण मानक ठारे बाइबल अच्छी ध्यान दियंतु जदि बाइबल नहीं पठित वाक्य प्रति कर्ण डेरंतु विश्राम दिन पवित्र रूपे पालन करने को स्मरण कर विश्राम दिन पवित्र रूपे पालन करने को स्मरण कर 6 दिन परिश्रम वो आपणार सब कर्म कर मात्र सप्तम दिन प्रभुक दिन उपासनार दिन तुम्ह सदा प्रभु परमेश्वर विश्राम दिन अटे तहीं तुम्हें कि तुम्हार पुत्र कि तुम्हार कन्या तुम्हार दास कि दासी तुम्हार पशु कि तुम्हार नगर द्वारवर्ती विदेश कहीं कौन सी कार्य करना जेहेतु कारण सदा प्रभु आकाशमंडल पृथ्वी समुद्र तन्मध्य स्थित समस्त वस्तु 6 दिन रे निर्माण करे सप्तम दिन रे विश्राम कले सप्तम दिन रे विश्राम कले ए हेतु सदा प्रभु विश्राम दिन को ध्यान दियंतु ए हेतु सेथि पाए सदा प्रभु विश्राम दिन को आशीर्वाद करी पवित्र करी अछंदे हालेलुया हालेलुया जामनकर प्रसंग उपासना दिन महत्वता बा गुरुत्व विषय आम मैंने आलोचना करवा आम मैंने जानू यात्रा 20 अध्याय परमेश्वर स्वयं परमेश्वर इस्राएल मान को 10 गोटी आज्ञा दे 10 गोटी आम माँ मैंने भौनी मैंने मुखस्त करे से 10 आज्ञा मध्य आज आम तृतीय आज्ञा को आम मैंने पालन करवा शुणा जे तृतीय आज्ञा रे से कहती विश्राम दिन पवित्र रूपे पालन करने को स्मरण कर जो विश्राम दिन से समय रे इस्राएल लोक मैंने शनिवार दिन को से माने सबात भावरे विश्राम भावरे से माने विश्राम करूथिले किंतु आज आम कहीं रविवार उपासना करूँ जे जीशु ख्रीष्ट शुक्रवार दिन मृत्युवरण कले तृतीय दिन रविवार दिन रे पुनर्तित हले हालेलुया से दिन ठारु समग्र इस्राएल समग्र ख्रीष्ट विश्वासी मंडली मध्यरे रविवार दिन को उपासनार दिन भावरे ताहंकर पुनर्तित दिवस को दिन रे आम्भे माने उपासना करी आसुअछु तेणु से दिन ठारु आज पर्यंत समग्र भूमंडल मध्यरे प्रत्येक क्रिश्चियन माने एही रविवार दिन रे आम्भे माने उपासना करू हालेलुया तेणु उपासना दिन कि प्रकार एक गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा आज आम समस्ते जानिबा जे से दिन परमेश्वर से विश्राम दिवस को पालन करने को स्मरण कर भूली जाओ नाही बोली से स्मरण करने को ए 10 आज्ञा मध्यर आ से जदि आम षष्ठ सप्तम दशम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम आज्ञा से डायरेक्टली कहती तुम्हें आपना पिता माता सम्मान कर नरहत्या करना व्यवचार करना चोरी करना प्रतिवासी गृह को लभी करना से एक्सप्लेनेसन देना
बिना एक्सप्लेनेशन रे से कहि चली थंती किंतु एही तृतीय आज्ञा रे से कहंती विश्राम दिवस को पालन करिवो आ से एक्सप्लेनेशन दोचन जे 6 दिन अछि निजो पाए परिवार पाए जे कोनसे कार्य कर किंतु सप्तम दिन विश्राम दिन को विश्राम दिन रे कोनसे कार्य करिवो नाहे तुमे कि तुमर पुओ कि कन्या कि दास केही मध्य कार्य करिव नाही कारण कौन जे सदा प्रभु आकाशमंडल पृथ्वी समुद्र सब किछु को 6 दिन मध्य रे निर्माण कले सेथि पाए सदा प्रभु विश्राम दिन को आशीर्वाद कले। प्रिय प्रभुंकर माँ भाई भणी माने ए जो उपासना दिन एक आशीर्वाद रो दिन अटे। हालेलुया। उपासना दिन एक आशीर्वाद रो दिन अटे। से उपासना दिन को आशीर्वाद करी पवित्र करी अछंती एई पवित्र दिन रे रविवार दिन को उपासना दिन बोली कह जाए रविवार दिन को पवित्र दिन मध्य बोली कह जाए। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एई जो उपासना दिन गिरजा दिन रे आंभे माने आओ जदि आमे जोग देबा ताहले आमे जने समस्ते आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति हेबा। प्रभु विश्राम दिवस को आशीर्वाद कले पवित्र कले आ से कहंती विश्राम दिवस को पालन करिव तेणु एई आज्ञा को आम्भे माने बुझिबा पई आमे आउ केतेक विषय को आलोचना करिबा 6 गोटि विषय को मु कहिबा पई चाहिबी। प्रथम विषय आम्भे माने देखिबा प्रेरित पुस्तक मो सहित खोलिबे प्रेरित पुस्तक 13 अध्यायर 14 पर्व 14 पदरे से कहंती प्रेरित 13 पदरे ए प्रकार लेखा अछि से माने पोर्गी ठारू यात्रा करी पिसिदियार आंतकियारे पहुँचिले आउ विश्राम बारे समाज गृह को जाए बसिले। जे उपासना दिन एक गुरुत्व दिन अटे तेणु एई उपासना दिन निमन्ते आपणकर मोर कार्य कौन उपासना दिन रे आमे जाई बसिबा उपासना दिन को जाई आमे माने बसिबा। जदि आपण माने शुक्रवार किंवा शनिवार किंवा सोमवार आपणकर जे कोनसे रिलेटिव घर को जाई छंते संडे मध्ये रही गले आपण कौन करिवे सेठारे मध्य आपण माने उपासना गृह को जाए बसिबा आवश्यक। आपण माने जदि युवा युवती मान छन आपण माने नुआ सहर को जाए आपण माने कॉलेज एडमिशन कर छन बरोबर माने कर ब्रह्मपुर आपण जॉइन हे छन आपण को पाए ब्रह्मपुर नुआ सहर तो सेई समय रे आपण माने से ब्रह्मपुर सहर मध्य रे उपासना गृह को जाए बसिबा आवश्यक। जे वास्तव रे उपासना दिन एते गुरुत्वपूर्ण अटे जे से दिन प्रभुंकर लोक माने से माने पोर्गी ठारु यात्रा कले से माने यात्रा पथरे थिले एग्जांपल माने करो सार आउ मु बाइक रे जाउ छ कोनसी गुडे लॉन्ग जर्नी संडे हे गला संडे टाइम उपासना रे समय हे गला माने करो 9टा कि 10टा हे गला उपासना रे समय रे आमे कोन करबा आवश्यक उपासना रे बसिबा आवश्यक तेणु आमानकर यात्रा को सेठारे रखि से जे कोनसी ग्राम किंवा सहर रे रहि सेठारे सेठाकार उपासना रे बसिबा आवश्यक। उपासना दिन एक गुरुत्वपूर्ण दिन अटे प्रभु आमनकु आ आज्ञा दे कहि छथि जे उपासना दिवस को पालन करबा को स्मरण कर बेले बेले आमनकर जागतिक व्यस्तता मध्यरे गिरजा दिन बोली आम भूली जाई था आज जे प्रकृत रे गिरजा दिन गिरजार समय उपासनार समय आम भूली जाओ किंतु प्रभु आपण को मत कहते पालन करिबा को स्मरण कर तेणु आस आमर ए जीवन रे आम्भ मैंने उपासना दिन को आम्भ मैंने स्मरण करिबा से माने विश्राम बारे समाज गृह को जाई बसिले आज आम जीवा आवश्यक
आमे माने जीवा आवश्यक केउ स्थान को उपासना स्थान को उपासना स्थल को जाए आमे माने बसिबा आवश्यक। हालेलुया हालेलुया जेथि पे मु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहली जे आपण माने आज उपासना रे बसि छंती। वास्तव रे उपासना दिन रे आमे माने सब विषय को छाड़ी आमे माने उपासना स्थान रे बसिबा आवश्यक। आम मानकर नुआ सहर कथा कहते आम मानकर जागतिक व्यस्तता मध्यरु बाहरी आसी उपासना रे बसिबा आवश्यक। मणिसे प्रेरित षोलर तेर पदर आम प्रथम विषय आम कौन उपासना एते गुरुत्वपूर्ण जे से उपासना दिन रे आम बसिबा कौन प्रथम विषय बसिबा केउठारे बसिबा उपासना रे बसिबा उपासना स्थल रे आमे बसिबा। किंतु आज अनेक युवा युवती उपासना दिन रे छुट्टी दिन रे गिरजा दिन रे से माने पार्क रे बसिछन से माने सिनेमा हॉल रे बसिछन अनेक लोक माने अन्यान्य स्थान रे बसिछन। किंतु आज आमे प्रत्येक विश्वासी उपासना स्थान रे बसिबा प्रथम विषय उपासना रे बसिबा। द्वितीय विषय आमे माने देखिबा से षोलर तेर पद को आम देखा विश्राम बारे आम्भे माने नगर द्वार रू बाहर आसलु नदी कूल को गलु प्रेर प्रभुंकर लोक मैंने प्रभुंकर लोक दास पाउल एवं शिला विषय कह जाए से मैंने अनेक सहर ग्राम को बुली बुली सुसमाचार प्रचार करुले से मैंने कहना आम थकी गलु हालिया है बोलो आज विश्राम दिन छुट्टी दिन रेस्ट करिबो नाही विश्राम वारे आंभे माने नगर रु बाहरी गलु आज वास्तव रे एई पद पर्व अनुसार आंभे माने बाहरी जीवा। प्रथम विषय उपासना रे बसिबा द्वितीय विषय उपासना निमन्ते आसे माने आउ नगर द्वार रु बाहरी जाउछन्ते। आज अनेक ख्रीस्टियन व्यक्ति माने निज परिवार ठारु बाहर उपासना को आसी पारु नाहांती कष्ट हो जाए तेणु आम्भे मैंने आज यही निष्पत्ति नेबा उपासना दिन रे आज आम मानकर परिवार ठारु बाहरी आसी उपासना रे जप देबा उपास निज गृह ठारु बाहरी आसीबा से माने नगर द्वार रु बाहरी गले आमे मानकर परिवार को सब किछि को छाड़ी दे बाहर आसीबा परिवार रु बाहर आसीबा जो बंधन रे अछु से बंधन रु बाहर आसीबा जो व्यस्तता समस्या रे अछु से समस्या रु बाहर आसी उपासना रे बसिबा। तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने द्वितीय विषय आम्भे माने बाहर आसीबा उपासना दिन रे जग देवा निमन्ते आम मानकर गृह ठारु बाहर आसीबा आम मानकर ग्राम रु बाहर आसीबा जो बंधन शैतान रे बंधन जागतिक बंधन रु बाहर आसे। आज अनेक लोक माने व्यस्ततार बंधन रे शैतान रे बंधन रे थिबा सतासो व्यस्ततार बंधन रे थिबा सतासो अनेक आसी पारु नहांती। तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे आसु द्वितीय विषय आम्भे माने बाहर आसीबा तापर से तेर आ गोटे विषय अच्छे विश्राम मैंने नगर रु बाहर आसिलो सेठारे प्रार्थनार स्थान अच्छी बोले आम्भे मैंने मन कलु से मैंने दे आर नॉट श्योर से मैंने से सहर पर से मैंने नुआ अटंती किंतु से मान विश्वास अच्छी से मैंने भावुंत निश्चिंत यही ग्राम स्थान जेकोसी गोटे स्थान उपासना स्थान थी प्रियर प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकु प्रकृतरे भय करुथिबा लोक प्रभुंकु प्रकृतरे पाइथिबा व्यक्ति परित्राण व्यक्ति सबुबेले चर्च निमन्ते उपासना निमन्ते से आतुर हबो सेटा चर्च नथिले बि से कहबो कोठी ना कोठी तो थिबो। तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने तृतीय विषय आम्भे माने खोजिबा से माने खोजिले से माने से मानकर सहर नथिला से माने खोजि खोजि आसुछंती आउ देखुछंती कोन देखुछंती मने कोलो आउ आम्भे माने बसिथिबा समवेत महिला मानको कथा कहबाक लागिल हालेलुया। आज मध्य एठारे केतेक महिला मान अछंती हालेलुया सेठारे मध्य से दिन से माने कोठी को जाउछंती उपासना दिन आज चर्च दिन
ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେଇ ସହରରୁ ବାହାରିଲେ, କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଚର୍ ଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସତକୁ ସତ ସେଠାରେ କେତେକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ମା ମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ବସିଥିବା କେତେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବସିଥିବା ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଖୋଜିବା। ଉପାସନା ଦିନ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ ଯେ ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପାସନାରେ ବସିବା। ଉପାସନା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବା। ତୃତୀୟରେ ଉପାସନା ଦିନକୁ ଖୋଜିବା। ଯେ କହୁଥିଲି ଜଣେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କଲେଜ ହାୟର ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କୁଣିଆ ଘରକୁ ଯଦି ଯିବେ, ସେଠାରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଘର, ଯଦି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଗାଁ ଅଟେ, ତଥାପି ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଗାଁର ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କି, ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏହି ବାପ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପାସନା ଦିନକୁ ଖୋଜିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 17:2 ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ପୁଣି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ପାଉଲ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଘେନି, ବାଇବଲକୁ ଘେନି, ବାଇବଲକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଶିଖିବା ଯେ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କିପରି ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବା? ଯଦି ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, କିପରି ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା? ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଆଉ କିପରି ଜଣକୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା? ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ପରେ ଯାଅ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଘେନି ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଉପାସନା ଦିନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଉପାସନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଉପଦେଶ ଦେବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ନାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବା, ନହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପଦେଶ ଦେବା। ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଉ। ଉପାସନା ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ, ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆସୁ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଆଜି ଆମର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେବା ଉପଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭଲ ମନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ, ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଆସୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ମା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, 18:4 ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 18:4 ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମରେ, ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପାଉଲ ସେଠାରେ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଏଠାରେ ସେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କେଉଁଠାରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱାସ, ଜିହୁଦୀ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରିୟର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆମେ ହଉ ହେବା, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆମେ ହେବା, ଯେ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ
जन्मेवा व्यक्ति हेबा आवश्यक अनेक समय भाई भाई मध्ये थिबा दृढ़ संपर्क विश्वास को अनेक भांगिबा लोक माने अछन्ते बंधन को भांगिबा लोक माने अछन्ते सांग को भांगिबा लोक माने अछन्ते किंतु आजि विश्वास को जन्मेवा विश्वास रे विश्व देवा लोक माने अनेक अछन्ते किंतु विश्वास को विश्वास रे विश्वास के जन्मेवा व्यक्ति हेबा आवश्यक सेठारे से पाउल मंडलीर ख्रीष्ट आध्यात्मिक जीवन रे विश्वास रे बढ़ेबा निमन्ते से जन्मौछन्ते आज आम्भे माने मोर विश्वास आपणकर जो दृढ़ ख्रीष्ट विश्वास अछि से विश्वास को आपण जन्मेबा आवश्यक आपणक ठारे से जदि विश्वास जन्मेबे आपण निश्चित भाबे आउ जनकर विश्वास को आपण जन्म पारे आपण से दृढ़ विश्वास ना आपरी आम अन्य विश्वास को आम बढ़ेगा जन्मेवा तेणु आसो निजर विश्वास को दृढ़ बढ़ेगा जन्मेवा व्यक्ति हेबा अन्य मानकर विश्वास को बढ़ेगा जदि जेकोसी विश्वासी कौन से समस्या तालना निंदा प्रकाश तार से विश्वास से अटल ही रही पारना ताहले से प्रकार समय प्रार्थना माध्यम उपदेश माध्यम आम से विश्वास को बढ़ेगा आवश्यक तेणु प्रियर माँ भाई भौणी माने ए अठर चारिपद पर्व अनुसार बाहुल जे प्रकार लोक मानकर विश्वास को जन्मेले आसु आज आम कह मोर विश्वास को जन्मेबी अन्यर विश्वास को जन्मेबी पंचम विषय आम देखा प्रकाशित पुस्तक प्रकाशित पुस्तकर एकर दश पदरे बहुत सुंदर विषय लेखा अच्छे प्रकाशित पुस्तक एकर दश पदरे लेखा अच्छे मु प्रभुंक दिनरे प्रियर प्रभुंकर लोक माने प्रभुंक दिनरे मु कहुथिले रविवार दिनर अन्य नाम कौन कौन दीटा कहुथिले झियो माने कहिबे कि साहाज्य करिबे रविवार दिनर अन्य नाम विश्राम दिन पवित्र दिन बोले कह हाँ ना उपासना दिन एठारे प्रभुंक दिन लॉर्ड्स डे प्रभुंकर दिन जीशु रविवार दिन रे पुनर्थित होइतिबा सकाशु रविवार दिन को लॉर्ड्स डे बोले कुआ गला प्रभुंकर दिन तो एठारे से कहते मु आज आप समस्ते कहतु मु समस्ते कह कि समस्ते कहतु मु पारि करतु मु प्रभु दिन रे आत्मारे आविष्ट हेबी मु प्रभु दिन रे आत्मारे आविष्ट हेबी प्रियर प्रभुंकर लोक माने जदि आपण कौनसी रविवार को गिरजा को जिबे नाही उपासना को जिबे नाही रविवार दिन को भूली जिबे आपण किपरि आपणकर विश्वास को जन्मेबे विश्वास रे किपरि बढ़िबे तबे किपरि आपण आत्मारे मध्ये आविष्ट हेबे आत्मारे आविष्ट हेबा माने कौन आत्मारे परिपूर्ण हेबा से दिन जतबेले 120 जण गोटे गृहरे एकत्रित हेले पवित्र आत्मा अवतरण करते समस्त आत्मारे पूर्ण हेले जेव व्यक्ति माने जेव विश्वासी माने प्रकृत रे उपासना दिन को गुरुत्व दियंती से माने से मानक जीवन रे आत्मारे से माने पूर्ण होंती जेतु आम हमरा प्रथमे पढ़िलु आओ यात्रा पुस्तक 20 रो 8 पदरे 7 पदरे 6 दिन जागतिक विश्व जे कौन से कार्य कर किंतु सप्तम दिन विश्राम करबा को पालन कर आज आमे भी 6 दिन राति आमे माने अन्यान्य विषय प्रति आमे माने लिप्त रहू किंतु ए सप्तम दिन रविवार दिन उपासना दिन प्रभुंक दिन रे जदि आमे समय देबा गृह को जदि परित्याग रे उपासना स्थल रे आमे जग देबा उपासना रे बसिबा उपासना को आसीबा उपासना दिन को खोजिबा उपासना दिन रे वाक्य को सुनिबा उपासना वाक्य विश्वास जन्मेबा तेबे जाय आंभे माने जहनंक सदृश कहि परिबा जे मु प्रभुंक दिन रे आत्मा रे आविष्ट हेले तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने उपासना दिन गिरजा दिन एते परिमाण रे एक गुरुत्वपूर्ण अटे
এটা এক আত্মারে আবিষ্ট হেবার দিন অটে, আত্মারে পূর্ণ হেবার সময় অটে। অন্যান্য সময় আমি অন্যান্য বিষয় প্রতি আমি ব্যস্ত রহু, সেই প্রকারে এই দিনরে উপাসনা দিনরে প্রভুঙ্ক পাই ব্যস্ততা হেবা, তেবে যাই আমি মানে আত্মারে পূর্ণ হেবা। তেণু প্রিয় প্রভুঙ্কর লোক মানে সে কৌছন্তি, মু প্রভুঙ্ক দিনরে আত্মারে পূর্ণ হলি, আবিষ্ট হলি, পবিত্র আত্মা মো সহিত থিলে, আত্মারে আবিষ্ট হলি। তেণু উপাসনা দিন এ প্রকার এতে পরিমাণরে এতে গুরুত্ব এতে মহত্ব রহিছে যে তেবে যাই আমার জীবনরে আমি মানে জহনঙ্ক সদৃশ মু প্রকৃতরে প্রভুঙ্ক দিনরে উপাসনার দিনরে আত্মারে পূর্ণ হলি, আবিষ্ট হলি। শেষ পদকু আমি মানে পড়ি আমি মানে সমাপ্ত করিবা। এভ্রি পুস্তক 12:28 পদ, এভ্রি পুস্তক 12:28 পদরে বহু সুন্দর বিষয় লেখা আছে। অতএব অটল রাজ্য প্রাপ্ত হবারু আস, প্রাপ্ত হবারু আস, আপন মানে যে প্রভুঙ্কু পাইছেন সেতিপাই আস, যে আপন মানে খ্রিস্টঙ্কু গ্রহণ করেছেন সেতিপাই আস, ঈশ্বরঙ্ক রাজ্য যে সন্নিকট সেতিপাই আস। সেই কহুনাহান্তি মু জনে যিবি নাই, আস সে নিজে যাওছন্তি, অন্যকু নিমন্ত্রণ দেউছন্তি, সেতিপাই আস। তাপরে কোন আম্ভে মানে মিলেমিশি কৃতজ্ঞ হয়ে ভয় ও ভক্তি সহকারে, প্রিয় প্রভুঙ্কর লোক মানে তেণু আস, ঈশ্বরঙ্কু যে আমি মানে পাই অছি, ঈশ্বরঙ্ক রাজ্য যে অতি নিকটবর্তী, ঈশ্বর যীশুখ্রিস্ট সে আসুছন্তি, এহা জানি আস। আপন মানে এবং মু আমি সমস্তে আস, আম্ভে মানে কৃতজ্ঞ হয়ে ভয় ও ভক্তি সহকারে। তেণু আজ আমি মানে শুনিছু উপাসনা দিন কেড়ে গুরুত্বপূর্ণ অটে। প্রভু স্বয়ং ইস্রায়েল মানুষ এই আজ্ঞা দিয়ে করা বাধ্য দিয়েছিল, তেণু আস আমি মানে কৃতজ্ঞ হয়ে ভয় ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরঙ্ক সন্তোষজনক। কোণ লেখা আছে যেমনকর বাইবেল আছে শেষ ভাগ পড়ন্তু, এভ্রির 13:28, আস আমি মানে কৃতজ্ঞ হয়ে ভয় ও ভক্তি সহকারে। তাপরে পড়ন্তু সমস্তে ঈশ্বরঙ্ক সন্তোষজনক, কোণ লেখা আছে আ শেষ ভাগের কোণ লেখা আছে, সমস্তে জোরে পড়ন্তু, সমস্তে পড়ন্তু, পড়ন্তু ভণী মানে পড়ন্তু, উপাসনা করু, কোণ লেখা আছে উপাসনা করু, প্রভুঙ্কর দ্বিতীয় আগমন যে সন্নিকট, প্রভু যে এই দিনকে পালন করিবাকু স্মরণ করিবাকু কইছন্তি, তেণু আসু ঈশ্বরঙ্কু ভয় করি, কোনসি মনুষ্যকু ভয় ন করি, কেবল ঈশ্বরঙ্কু ভয় করি, ঈশ্বরঙ্কু যেপরি আমি বড় মানুষ সার আসবা সময় আপনার মানে প্রেজ দ লর্ড সার ভক্তি সার মানুষ দেখবা সময় ঝিও মানে ভী মানে নাকি নমস্কার সার, বাপা মা মানুষ মুন্ডিয়া করে ভক্তি সম্মান, সেই প্রকারে ঈশ্বরঙ্কু ভয় করি, ঈশ্বরঙ্কু ভক্তি সম্মান করি, ঈশ্বরঙ্ক সন্তোষজনক উপাসনা করু। উপাসনা এতে গুরুত্বপূর্ণ রহিছে, উপাসনা এহা এক যুক্তিযুক্ত দিন মধ্যে আমি প্রকৃতরে আত্মারে আবিষ্ট হয়ে আমি মানে প্রভুঙ্কু উপাসনা করিবা আবশ্যক।